ज़राए बिल के हवाले से राज्यसभा रुकन सुखदेव ढींडसा ने कहा कि मैं इस बिल के खिलाफ हूं और ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये बिल किसानों को गुमराह करने वाला है, ये बिल किसानों के मफाद में नहीं है। किसानों ने हुकूमत को इतना अनाज दिया है, सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। किसान बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। रविवार के दिन वोटिंग होगी और यकीनन केंद्र सरकार का कहना है कि बिल पास हो जाएगा, मगर क्या ये बिल पास होता है या नहीं ये तो राज्यसभा में वोटिंग के बाद ही तय होगा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए सुखदेव सिंह ढींडसा हैं जो कि राज्यसभा सांसद, आइए जानते हैं सर क्या लगता है आपको कि बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। देखो पास तो नहीं होना चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसे कोई अपोजिशन में ऐसे पार्टी होगी जो बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये किसानों की बात है, ये पार्टी के ऊपर उठ के पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठकर वोट किसानों के हक में डालनी चाहिए। इस बिल को इन बिलों को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं तो सरकार से अपील करता हूँ कि वो ही वापस ले लें, वही कमेटी को दे दें, कोई ऐसी कमेटी बना दें या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दें ताकि किसानों के साथ बात हो सके, किसानों के साथ बात करके अगर उसमें कितनी कोई अमेंडमेंट जरूरत पड़े तो हो सकती है और करनी चाहिए। सूत्रों की माने तो राजनाथ जी एनसीपी और शिवसेना से बात कर रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है कि बिल को पास कर लिया जाए। नहीं, मेरे सहयोगी नहीं कोई, मैं तो उस बिल के पहले से ही खिलाफ हूँ, क्योंकि जो किसान पंजाब में सड़कों में आए हैं, सड़कों पर आए हैं, जिन्होंने इस देश को इतना अनाज दिया कि जब ये देश जगह जगह जाता था, अमेरिका जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था कि हमें अनाज की ज़रूरत है हमारे, तो हरा इनकलाब लाकर उन्होंने इतना अनाज पैदा किया, अपनी ज़मीन ख़राब कर ली, खाद ज़्यादा डाल ली, पानी नीचे से निकाल लिया, और उन्होंने अपनी ज़मीन तो ख़राब कर ली लेकिन देश के लिए अनाज पैदा किया, लेकिन आज वो लोग सड़कों पर हैं। तो सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि उनका पिछला रिकॉर्ड तो देखो कितना है। तो कल नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर, देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया, संबोधित किया कि भाई किसान बिल ये किसान का हितेशी है, इसमें राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति नहीं हो रही, मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम MSP जारी रखेंगे, लेकिन एक्ट में तो कहीं नहीं है, बिल में तो आए नहीं है, ये तो बिल में लाएं। नंबर दो, जब ये बड़ी कंपनी आ जाएंगी तो छोटा व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा और वो मंडी सिस्टम है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियों में क्यों जाएंगे कोई लोग, उसे घर से उठा लेंगे वो, तो इसलिए मंडी सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए राज्यसभा में, और कहीं ना कहीं पास होना भी चाहिए तो शंकाएं, जो किसानों की शंकाएं वो दूर हो। हाँ, बिल्कुल नहीं पास होना चाहिए, ऐसे पास नहीं होना चाहिए और किसानों को सेटिस्फाई करके ही पास करना चाहिए।